अष्टभुजाधारी देवी, जिसको हम शिव शक्ति कहते हैं, शिव और शिव की शक्तियां। अष्टभुजाधारी देवी, हमने कभी भी नहीं क्वेश्चन किया कि अष्टभुजाधारी देवी कैसे होती है, और फिर हर भुजा में उसके हमने अलग अलग शस्त्र दिखाए, और फिर देवी के पैरों के नीचे क्या दिखाया, देवी के पैरों के नीचे क्या दिखाया, हमने दिखाया असुर। मीनिंग कितना क्लियर है कि आत्मा, आत्मा के अंदर अष्ट शक्तियां, अष्ट शक्तियां आत्मा में कैसे आई, ज्ञान के शस्त्रों से। और जब आत्मा ज्ञान के शस्त्रों को यूज करके अष्ट शक्तियों को अपने जीवन में धारण करती है, तो असुर कहां पहुंच जाते हैं, उसके पैरों के नीचे, पैरों के नीचे पहुंच जाएंगे। मतलब वो देवी क्या करेगी, उस असुरों के ऊपर जीत पाएगी। तो कौन सी शक्तियां हमें जीवन में धारण करनी है, और धारण भी क्या करनी है, वो आत्मा के अंदर ऑलरेडी है, हमें उनको यूज करना शुरू करना है। तो परमात्मा कहते हैं सबसे पहली शक्ति, अब ये सारे आपने चेक कर लेनी है और सारी हमने यूज करनी है, तब होगा सच्चे मायने में वो उस अष्टभुजाधारी देवी का आह्वान करना। सबसे पहली शक्ति है कि जब भी कोई बात आए, और परमात्मा बहुत सुंदर मिसाल देते हैं हमें, वो है कछुए की। कछुए के सामने जब कोई डेंजर आता है, कछुआ क्या करता है, कछुए के सामने जब कोई डेंजर आता है, कछुआ क्या कर लेता है, अपने आप को अंदर ऐसे खींच लेता है, बात आती है उसके ऊपर से चढ़ के चली जाती है, लेकिन वो उसका नुकसान नहीं कर सकती बात। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि उसने अपने आप को क्या कर लिया, अंदर खींच लिया, वो उसके साथ उलझा नहीं, उलझा नहीं। ये हमें करना है, बातें आएंगी, लोग हमारे साथ अजीब अजीब बातें करेंगे, अजीब अजीब तरह व्यवहार करेंगे, लड़ने के लिए रेडी सामने आ जाएंगे, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, कछुए को याद करो और क्या कर लो, क्या कर लो, उसके साथ उलझो नहीं। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है इस टाइम। आजकल सड़क पे देखते हैं, अगर किसी की दो गाड़ी की थोड़ी सी टक्कर हो गई तो खड़े होकर ऐसी जबरदस्त लड़ाई होती है कि कभी कभी तो उसका क्या 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 परिणाम हो जाता है, होता है ना। तो फिर आजकल लोग अपने परिवार वाले को क्या बोलते हैं, छोड़ दे उलझ नहीं, बैठो गाड़ी में, लड़ना नहीं, कुछ का कुछ हो जाएगा, बोलते हैं ना। ये है फिजिकल लड़ाई है कि उलझो नहीं, पता नहीं सामने वाला क्या करते हैं। एक है सारा दिन संकल्पों की लड़ाई, एक है शब्दों की लड़ाई। सामने वाला आया है, उस तरह से बात कर रहा है, निंदा कर रहा है, गलत बोल रहा है, वो टग ऑफ वॉर के जैसा है। वो टग ऑफ वॉर खेलते ना स्कूल में, तो वो रस्सी दो एंड पे है, अगर आप अपने एंड वाली रस्सी को छोड़ दो तो सामने वाला तो ऐसे ही रस्सी को लटकाता ही रह जाएगा, गेम तो वहीं खत्म हो जानी है सारी। छोड़ दो उस रस्सी को, बोलो खेलो आप, हम इस खेल का हिस्सा नहीं है। कितनी सारी शक्ति हमारी नष्ट होती है सिर्फ लोगों के साथ उलझने में। जिसके मन की स्थिति इस टाइम लो हो, उसके साथ उलझेंगे तो खुद की मन की स्थिति भी क्या हो जाएगी। तो जैसे ही कोई ऐसी बात आए, तो सबसे पहले कुछ क्षणों के लिए अंदर, अंदर मतलब अपनी मन की स्थिति पर पहले संयम, परमात्मा को याद करके परमात्मा से कनेक्शन, अपने आप को किया प्रोटेक्ट, तो बात आएगी और बात चली जाएगी। लेकिन अगर अपने पर अटेंशन नहीं रखा, परमात्मा से कनेक्शन नहीं जोड़ा और सोचा इनको सिखाऊं कि ठीक बात क्या है, तो फिर हम उनसे उलझ जाएंगे। कुछ लोग हैं जिनसे हम डेली बेसिस पे उलझते रहते हैं। उलझना मतलब ऐसे ही आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देना,
वो जिस टोन में बात करते हैं उनसे उसी टोन में बात करना शुरू कर देना, वो गुस्सा करते हैं तो हम भी गुस्सा करना शुरू कर देना, वो ताना मारते हैं तो हम भी ताना मारना शुरू कर देना। ये चल रहा है, डेली चल रहा है, और जब ये चलता रहेगा तो आत्मा की शक्ति क्या होती जाएगी, टिप टिप टिप, आत्मा की शक्ति घटती जाएगी। फिर से 30 सेकेंड्स के लिए आंख बंद करो और किसी एक को लेकर आओ अपने सामने जिसके साथ हम उलझते हैं। वो परिवार का सदस्य हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, कई बार तो सड़क पे किसी से ही उलझ जाते हैं। इसने ऐसा कहा तो मुझे भी तो जवाब देना था, उसने ऐसा किया तो मुझे भी तो करके दिखाना था। कंपटीशन इसमें हम करते हैं कि कौन ज्यादा अच्छे से गलत कर सकता है। लेकर आए उनको अपने सामने और अपने आप को उनके साथ देखें और अपने आप से ये संकल्प, मैं शक्ति हूं, मैं वो दिव्य शक्तिशाली आत्मा हूं, नेगेटिव एनर्जीज, कमजोरियां, मेरे पुराने संस्कार मेरे पैरों के नीचे, जीत पाई है मैंने उस पे। और उनको सामने देखकर उनको भी एक मैसेज भेजते हैं, आज से आपका और मेरा गेम ओवर, मेरी तरफ से आपको आज से सिर्फ और सिर्फ दुआएं ही दुआएं मिलनी है, आपकी एनर्जी में अब मैं नहीं एंटेंगल होने वाली, इसके बाद आप कुछ भी भेजो, कैसा भी व्यवहार करो, कुछ भी बोलो, मेरी तरफ से सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्यार और दुआएं ही हैं, क्योंकि मेरे पास है ही वो अब सिर्फ। मैं दिव्य आत्मा हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं, अच्छा। हाथ उठाएं जिसको कोई कोई एक दिखा किसके साथ ये करना है एक्सपेरिमेंट, उठा लो उठा लो, नाम थोड़ी बताना है इधर सबके सामने। वैसे हम बैठते हैं 5 मिनट, उनको चूज करते हैं, डिसीशन लेते हैं, कार्मिक अकाउंट सेटअप, या तो जीवन भर उलझते रहेंगे और शक्ति को गवाते रहेंगे। अब इस सीन को विजुअलाइज करें, दो लोग हैं, एक नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है अहंकार के वश, ईर्ष्या के वश, दुख के वश, इनसिक्योरिटी के वश, कोई भी रीजन से वो भेज रहा है, और आपके यहां से आपने अब वो वाली एनर्जी में उलझना बंद कर दिया तो आपकी तरफ से क्या जाएगा। जब हम मंदिर जाते हैं, देवी देवताओं की मूर्ति के सामने नमन करते हैं, तो हम पता है क्या कहते हैं, हम कहते हैं मैं नीच हूं, पापी हूं, कपटी हूं, कहते हैं ना आरती में, मैं नीच हूं, पापी हूं, कपटी हूं। देवी देवता सामने से क्या करते हैं, देवी देवता सामने से क्या करते हैं, वो जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं कि आपके सामने सारा दिन लोग आएंगे जो ये बोलेंगे नहीं कि मैं नीच हूं, पापी हूं, कपटी हूं, लेकिन करके दिखाएंगे कि मैं नीच हूं, पापी हूं, कपटी हूं, कैसा हूं, मतलब अपनी कमजोरियां लेकर आएंगे। ये जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं कि सामने वाला अपनी कमजोरियां लेकर आएगा, आपको कैसे खड़ा होना है, हाथ से नहीं, यहां से सिर्फ दुआएं और आशीर्वाद, और जब आप दुआएं और आशीर्वाद देंगे सामने वाला परिवर्तन हो जाएगा,
लेकिन हमने कहा मैं आपको दिखाता हूं मैं कैसा हूं, तो फिर प्रॉब्लम आती है। मतलब सामने वाला लोअर एनर्जी लेकर आएगा, हमें कहां होना है, हायर एनर्जी पर होना है। हमें लोअर की तरफ खींचकर नहीं जाना है, हमें हाई रहकर लोअर को हाई लेकर आना है। ये है देवी शक्ति का प्रभाव। इसी दिव्यता का दुनिया आह्वान करने वाली है अगले हफ्ते से, लेकिन ये देवी शक्ति का आह्वान बाहर से नहीं करना है, ये मुझ आत्मा के अंदर की दिव्यता और शक्ति का आह्वान करना है, क्योंकि ये शक्ति हम हरेक आत्मा के अंदर है। आप में से किस किस को लगता है कि अगर आप डिसाइड करो हम नहीं उलझेंगे तो हम नहीं उलझेंगे, कोई हमें नहीं उलझा सकता, किस किस के पास ये पावर है? यही तो पावर है, इसी को पावर है, यही पावर की तो आप पूजा करने वाले हैं अगले हफ्ते। वो पूजा नहीं सिर्फ करनी, पूजनीय खुद बनना है, खुद बनना है, उस पावर को अपने अंदर इमर्ज करना है। हम सबके पास पावर है, तो पहली पावर, कोई भी बात आए, कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी उलझे, हमें क्या करना है, एक मिनट में, मैं कौन और मैं किसका बच्चा, मैं दिव्य शक्तिशाली आत्मा और मैं किसका बच्चा, परमात्मा, परमात्मा क्या है, कल्याणकारी, मैं उसका बच्चा, मैं भी कैसा, आशीर्वाद, दुआएं, सामने वाला थक जाएगा। और जब सामने वाले को ऐसे 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 एनर्जी मिलती जाएगी, सामने वाला भी परिवर्तन हो जाएगा। ये है मनुष्य आत्मा की पावर, वो देवी शक्ति जो सिर्फ खुद को नहीं औरों को भी परिवर्तन कर सकती है, उसी का गायन और उसी की महिमा और उसी की पूजा है। दूसरी शक्ति, दूसरी शक्ति हमेशा अंदर सारी बातें समेट कर रेडी होना चाहिए। जैसे कुछ लोग ट्रैवल बहुत करते हैं तो उनका एक छोटा सूटकेस हमेशा रेडी पड़ा होता है कि एक फोन कॉल आए और सूटकेस लेकर, टाइम भी नहीं है पैकिंग करने के लिए। इसी तरह जीवन में आत्मा रूपी ये सूटकेस रेडी होना चाहिए कि बुलावा आए, एक मिनट में उड़ेंगे, पैकिंग डन। ये नहीं बोल सकते कि मुझे 10 मिनट चाहिए ये चीज पूरी करने के लिए। इसको कहते हैं समेटने की शक्ति, कि छोटी छोटी बातों में विस्तार में नहीं जाना है, समेट लेना है बात को। ऐसा क्यों, ऐसा कैसे, ऐसा क्यों, किसने किया, वैसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। तुरंत उस पर क्या लगाना, फुल स्टॉप। क्यों, क्या, कैसे, वैसे, ये विस्तार है। और समेटने की शक्ति मतलब मैं आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, वही संकल्प करूंगी, वही संस्कार बनाऊंगी जिससे मेरा श्रेष्ठ भाग्य बनता है, फुल स्टॉप। और जब हम ये करेंगे तो हमारे अंदर एक बहुत सुंदर शक्ति का आह्वान हो जाएगा, और वो शक्ति है सहन करने की शक्ति। आजकल हमारी सहन करने की शक्ति थोड़ी सी घटी हुई है, छोटी छोटी बातें बुरी लगती हैं, लगती है ना, छोटी छोटी बातें बुरी, मैसेज का रिप्लाई नहीं तो आधे घंटे में तो वो भी बुरा, अच्छा तो बात का साइज नहीं है कुछ बुरा लगने का, बोला आपको बुरा क्यों लगा, नहीं आपने रिप्लाई नहीं किया, बोला भैया सोचो तो कहीं बाहर होंगे कोई नहीं, लेकिन मुझे ब्लू टिक तो दिख गया था आपके मैसेज के ऊपर, आपने फिर भी देखा फिर भी रिप्लाई नहीं किया, तो हर्ट। सहन करने की शक्ति मतलब टॉलरेंस पावर ही नहीं है, द वर्ल्ड हैज टू बी माय वे। ऐसी छोटी छोटी बातों से पर चिंतन चलता है तो आत्मा की शक्ति क्या होती जाएगी, फिर घटती जाएगी। तो क्यों, क्योंकि किसी के साथ इंटेंगल हुए, किसी की उस व्यवहार का जवाब उस तरह से दिया, तो शक्तियों को क्या करते गए, घटाते गए। तो सहन करने की शक्ति, हर रोज अपने आप को सुबह एक संकल्प जरूर देना है, मेरी टॉलरेंस पावर 100% है। ये नहीं बोलना है कभी मेरे से सहन नहीं होता, ये लाइन करेक्ट नहीं है। अगर हम बोलते जाएंगे मेरे से सहन नहीं होता, मेरे से सहन नहीं होता, मेरे से सहन नहीं होता, तो ये लाइन बोलने से हमारी सहन शक्ति क्या होती जाएगी, चेंज करेंगे और क्या बोलेंगे, मेरी सहन शक्ति, बोलिए मेरी सहन शक्ति,
मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं कोई भी व्यवहार और किसी भी बात और किसी भी परिस्थिति को सहन कर सकती हूँ, मेरे पास इतनी शक्ति है, मैं इतनी शक्तिशाली आत्मा हूं, है ना, ऐसी वाली आत्मा। ये शक्तियों का गायन और पूजन है। चलो इकट्ठे मिलकर बोलते हैं, मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं किसी के कैसे भी व्यवहार को प्यार से सहन कर सकती हूँ। और प्यार से सहन करना मतलब उनके व्यवहार के बाद मेरे यहाँ पर कोई संकल्प नहीं चलता, ये ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा सहन कर लिया मतलब कोई थॉट्स नहीं उनके बारे में है, सहन कर लिया। सहन कर लिया मतलब ये नहीं कि चुप हो गए, सहन कर लिया मतलब मन चुप हो गया। कई बार हम कहते हैं जीवन भर मैंने बहुत सहन किया है, मेरे जितना सहन तो किसी ने किया ही नहीं है। जो ये बोल रहा है कि मैंने बहुत सहन किया, इसका मतलब अंदर से बहुत दुखी है, वो सहन नहीं होता। मैंने बहुत एडजस्ट किया, एडजस्ट किया, एडजस्ट किया मतलब ये नहीं कि मैं चुप करके अंदर रह रही थी उनके साथ, मैं उस ऑफिस में काम कर रही थी। सहन किया मतलब मेरे चित्त ने एक भी क्वेश्चन नहीं किया, आई अंडरस्टूड, आई एडजस्टेड, आई टॉलरेटेड, सहन किया। क्यों सहन किया? अंडरस्टैंडिंग से किया कि हर एक आत्मा अलग अलग संस्कार लेकर आई है, हर एक आत्मा अलग अलग कर्मों से अपना भाग्य लेकर आई है, तो फिर सहन करना नहीं पड़ता है, सहन करना नहीं पड़ता है। अपने आप मन क्वेश्चन करता ही नहीं है उस बात को कि ये ऐसा क्यों, ऐसा क्यों और ऐसा क्यों। अगली शक्ति, बातों को अपने अंदर समाने की शक्ति। कोई बात किसी की पता चल जाए, किसी की कोई कमजोरी दिख जाए, उसको फैलाना नहीं। फैलाने से शक्तियां क्या हो जाती हैं? फैलाने से शक्तियां क्या हो जाती हैं? आपको पता है, आपको पता है, आपको पता है, सिर्फ रिश्तेदारों की नहीं, सारी दुनिया की बातें फैला रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी आ गई है। आज सुबह ही भाई कह रहे थे, एक व्यक्ति के कोई एक मैसेज बनाया, बाकी सब ने तो सिर्फ फॉरवर्ड ही कर दिया। ध्यान से करना, इसमें भी कर्म बनते हैं, ये कर्म बनते हैं जब हम कोई गलत बातें फैलाते हैं। बनाने वाला एक होता है, वो एक बनाने वाला बनाना बंद कर देगा अगर हम फैलाने वाले फैलाना बंद कर देंगे। लेकिन वो बनाने वाले की जीत तब होती है जब 10 मिनट के अंदर वो पूरे मिशन अकम्प्लिश्ड हो गया ना, जिसने बना लिया। तो प्रतिज्ञा करनी चाहिए अपने आप से, जो मैसेज सात्विक नहीं वो मैसेज मेरे फोन से किसी और को जा सकता नहीं, और मेरे फोन पे भी रह सकता नहीं। तामसिक चीजों को अपने फोन पे भी रखना नहीं चाहिए, फोन की भी एनर्जी खराब होती है ऐसी चीजें रखकर अपने फोन पर। क्यों ऐसी चीजों का वाइब्रेशन अपने फोन पर भी रखें, जहां किसी की निंदा हो रही है, किसी का मजाक उड़ाया जा रहा है, किसी के बारे में गलत बातें फैलाई जा रही है, कोई हिंसा, ये सब तामसिक चीजें हैं। नवरात्रे मतलब सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सात्विकता, ये इक्वेशन भी याद फिट कर लेनी है। सात्विकता के बिना देवी की शक्ति का आह्वान नहीं होगा। तो आज रात को सोने से पहले फोन को साफ कर लेना, फोन को साफ कर लेना। फिर कल सुबह से एक और अभ्यास करना कि पढ़े बिना डिलीट करना, देखे बिना डिलीट करना। मैसेज को देखकर पता चल जाता है कि ये सात्विक है या नहीं है। अपने टेस्ट को बदलना है। तामसिक चीजें मजेदार होती हैं, लेकिन वो तामसिक है, हानिकारक होती है।
सात्विक चीजें कभी कभी थोड़ी बोरिंग लगती हैं, लेकिन वो सात्विक हैं, दैवीयता लाती हैं, सेहत लाती है, खुशी लाती है, पवित्रता लाती है। फोन पे हर चीज सात्विक होनी चाहिए, मजाक भी तामसिक नहीं होना चाहिए। तो समाने की शक्ति चित पर तो बाद में करेंगे, पहले तो फोन पे अभी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आज करेंगे फोन को साफ, रात को सोने से पहले डिलीट कर दें, बिल्कुल डिलीट करें। हर चीज की एक एनर्जी है, ध्यान रखना है कि अपने आप को आसपास की इन एनर्जी से सराउंड किया हुआ है। हम ये सब का तो ध्यान रखते हैं कि रूम का डायरेक्शन कौन सा है, दुकान का डायरेक्शन कौन सा है, वो सब एनर्जीज का हम ध्यान रखते हैं, लेकिन हम खुद को किन एनर्जीज से सराउंड करते हैं और अपने अंदर कौन सी एनर्जीज भरते हैं वो नहीं हम ध्यान रखते। तो समाने की शक्ति, जो समाएगा वो दूसरे को परिवर्तन कर देगा, जो फैलाएगा वो खुद बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक अकाउंट का हिस्सेदार बन जाएगा। तो एक कोई हमें मैसेज भेजे तो हम आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे, करे प्रतिज्ञा आज हम फॉरवर्ड नहीं करेंगे, कौन कौन करता है। लेकिन ध्यान रखना, चेकिंग भी होनी चाहिए कौन से वाले मैसेजेस फॉरवर्ड नहीं करने हैं। परखने की शक्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सात्विक क्या और तामसिक क्या। टेस्ट थोड़े बदले हुए हैं ना, तो तामसिक चीजों को भी लगता है ये तो नॉर्मल है ना, ये तो हंसी मजाक है, इसमें क्या गलत है। जो किसी की एनर्जी को डाउन करे वो तामसिक है, जो दूसरी आत्मा की उन्नति करे वो सात्विक है। तो अटेंशन से चेकिंग कि हम कोई ऐसा मैसेज फॉरवर्ड नहीं करेंगे, दूसरा हम कोई किसी की बात ऐसे किसी को नहीं करेंगे। अगर हम एक दिन सिर्फ ये चेकिंग करें कि हम किसी की कमजोरी किसी और को नहीं सुनाएंगे, हमारे सारे दिन में कितना टाइम बच जाएगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। आपके घर में कुछ हुआ उसको अपने तक रखना, अभी झगड़ा चल ही रहा होता है तो व्हाट्सएप करके अपने परिवार को उधर भेज देते हैं, मेरे घर में ये चल रहा है। ये समाने की शक्ति नहीं है बातों को। तो जब बातों को हम समाते नहीं तो बातें, छोटी बातें क्या हो जाती हैं, बहुत उलझ जाती हैं। आत्मा के अंदर इतनी शक्ति है कि वो बड़ी बात को भी छोटा कर सकती है, और शक्ति को यूज नहीं किया तो बहुत छोटी बात को भी बहुत बड़ा कर देते हैं। हैं कि नहीं पावर हमारे पास। हाँ, उसी परिस्थिति में उसी बात में घर का एक सदस्य कहता है कितनी बड़ी बात है, दूसरा कहता है हाँ बात तो है, तीसरा कहता है छोटी सी बात है, चौथा कहता है कोई बात ही नहीं है। तो बात का साइज कितना, बात का साइज कितना डिपेंडिंग ऑन आत्मा की शक्ति कितनी। तो इसलिए बातों को छोटा करें। परिवार भी अगर उसको बोल बोल के बड़ा कर रहा है, उसको तुरंत क्या करो, बोलो बात को छोटा करो, इतनी बड़ी बात नहीं है, खत्म। लेकिन बोलते 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 फैलाते 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 फिर दूसरों को भी बोलते बोलते हम छोटी बात को बहुत बड़ा कर देते हैं। जब हम किसी की कमजोरी किसी और को सुनाते हैं तो हम दूसरे के चित्त को मैला करने का कर्म करते हैं कि सिर्फ मेरा मन चित्त क्यों मैला हो, आपका भी हो। फिर वो और हम सब मिलकर उस आत्मा के लिए वो कमजोर वाले वाइब्रेशन भेजते हैं तो उसका मनचित और मैला होता है। ये बहुत डीप कार्मिक अकाउंट बनता है। तो दूसरों को सुनाना नहीं, और दूसरे अगर सुनाने आए तो सुनना नहीं, क्योंकि दूसरे भी आ सकते हैं हमारा मनचित मैला करने के लिए। उनको ना बोलने की शक्ति कि मुझे किसी की कमजोरी, मुझे कोई सारी ऐसे दूसरों की बातें मुझे सुननी नहीं, मुझे अपने वातावरण को दूषित करना नहीं। फिर से आंख बंद करें और उन लोगों को देखें जो आपको सुनाने के लिए आते हैं। अपनी चेकिंग बाद में करेंगे, पहले उनकी देखते हैं जो हमें सुनाने के लिए आते हैं। और देखो सिर्फ एक बार
कि कितना सुन सुन के सुन सुन के हम अपने चित्त को मैला कर देते हैं। और आज ये प्रतिज्ञा नहीं सुनना है मुझे, जिस बात से सिर्फ मैल फैलनी है, नेगेटिविटी फैलनी है, वो बात मुझ आत्मा ने नहीं सुननी है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, अगर हम सुनते गए तो वो सुनाते जाएंगे, रोज सुनाएंगे। सल्यूशन की बात करेंगे, लोगों की कमजोरियों की नहीं। सुनना नहीं, और अब अपने आप को देख लें, किसी को किसी की कमजोरी सुनाना नहीं, समाने की शक्ति। ओके, अब जब ये कर लिया, आत्मा की शक्ति बढ़ती गई, तो सही क्या है गलत क्या है ये परखने की शक्ति आ जाएगी। आजकल सही गलत की डेफिनेशन बदली हुई है, जो कुछ साल पहले तक गलत और पाप माना जाता था उसको नॉर्मल बोल देते हैं। जो कुछ साल पहले तक छिप छिप कर करते थे, अभी सबके सामने कहते हैं इसमें क्या गलत बात है। तो सही गलत की मर्यादाएं, वो परखने की शक्ति, क्योंकि जब सही गलत की परखने की शक्ति होगी तभी तो फिर सही निर्णय ले पाएंगे। निर्णय लेने की शक्ति, कभी भी किसी और से जाकर नहीं पूछना कि मुझे क्या करना चाहिए। और अगर आपके पास कोई आए ये पूछने के लिए कि आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए, तो रायपुर में रह रहे हैं लेकिन जल्दी जल्दी राय नहीं देना ऐसे किसी को। ये बहुत 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 डीप कार्मिक अकाउंट बन जाता है। लोग आजकल बहुत इजीली औरों को पूछ लेते हैं, आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए। और जब हमसे कोई पूछता है कि आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए, इट गिव सेंस ऑफ पावर, अरे लोग मेरी राय लेते हैं निर्णय करने के लिए, तो हम फटाफट उनको राय दे देते हैं। वो ही राय अपने घर में इम्प्लीमेंट करनी होती तो महीने बीत जाएंगे, डिसीशन नहीं ले पाएंगे, लेकिन दूसरे को देने में 10 सेकेंड, इसमें क्या बड़ी बात है, ऐसे करो। ये बड़े ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि अगर हमने किसी को राय दी, वो राय उस आत्मा ने अपने संस्कार और अपने कर्मों के अनुसार इंप्लीमेंट करनी है। और अगर वो आत्मा के पास वो संस्कार नहीं है उस राय को इंप्लीमेंट करने के लिए, और अगर उसने कुछ गलती की, वो गलती का भागीदार हम, अपने निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ाना है। तो जब परखने की शक्ति बढ़ेगी तो निर्णय लेने की शक्ति भी बढ़ जाएगी। और जब ये सब कुछ होगा तो एक बहुत सुंदर शक्ति हमारे अंदर आ जाएगी, और उसको कहते हैं सहयोग करने की शक्ति। किस चीज का सहयोग करना है? हर एक के लिए अच्छा सोचना, ये सबसे बड़ा सहयोग है।